हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 13 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये साउंड का, साउंड पे आपको इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब साउंड के इस पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा आपको वाइब्रेट फॉर कॉल। वाइब्रेट फॉर कॉल इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके मोबाइल फोन पर कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा आपके मोबाइल फोन पर, तो आपका मोबाइल फोन जो है ना वाइब्रेट नहीं करेगा। आपका मोबाइल फोन जो है सिर्फ रिंगटोन की साउंड को क्रिएट करेगा, लेकिन वाइब्रेशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेगा। ये सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च सेटिंग का, सर्च सेटिंग पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है वाइब्रेट फॉर कॉल, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ना एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे होता क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।